नमस्कार दोस्तों, विवेक की डॉट इन में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार, मेरे पास है यहाँ पर वीवो के दो डिवाइस, एक है वीवो T1X, दूसरा है वीवो का Y21। और आज मैं करने वाला हूँ यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और हम देखेंगे क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की स्पीड में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की। तो दोस्तों, यहाँ पर वीवो Y21 में आपको मिलता है हीलियो का P35 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इसकी चार कोर हैं 2.35 GHz कॉर्टेक्स A53 की, और चार कोर है 1.8 GHz कॉर्टेक्स A53 की। पावर VRGE8320 आपको मिलता है यहाँ पर, GPU और 4GB की है रैम। साथ ही दोस्तों, बात करें T1X की, तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 680 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो 6 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इसकी चार कोर है 2.4 GHz क्रियो 265 गोल्ड की, और चार कोर है 1.9 GHz क्रियो 265 सिल्वर की। एडिनो 610 आपको मिलता है यहाँ पर, GPU और रैम यहाँ भी 4GB की आपको मिल जाएगी। तो ये था दोनों फ़ोन का हार्डवेयर। अब स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे हैं दोनों फ़ोन में जो कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। रैम दोनों फ़ोन की यहाँ पर क्लियर है। स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ, जो कि है हमारा क्रेजी जूशर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर लॉन्च करे दोनों ही फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, अब यहाँ पर कुछ नेटिव एप्लीकेशन भी ओपन कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि दोनों ही फ़ोन का रैम मैनेजमेंट कैसा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन का फ़ोन मैसेज और ये कैमरा। और यहाँ पर जहाँ तक बात जाती है दोनों ही फ़ोन के एप्लीकेशन की, तो वहाँ पर T1X वीवो Y21 को पूरी तरह से बीट करता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेसर उसका बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ज़्यादा दमदार है, अगर हम बात करें Y21 से। अब दोनों फ़ोन में 4GB की रैम है, तो देखते हैं रैम मैनेजमेंट किस फ़ोन का ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर, और देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर क्रेजी जूशर, और दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये अवेलेबल अभी नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे यहाँ पर हिल क्लिम दोनों फ़ोन में, और ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो चेक करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर लैप्सवर्ड, और दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये भी अवेलेबल अब नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मॉडर्न सिटी, ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड से गायब हो चुका है, यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो चेक कर लेते हैं कौन सा है यहाँ पर नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन पॉप शूटर दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये भी अट चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मैसेज और चेक कर लेते हैं, तो सेम रिजल्ट यहाँ पर भी है, दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर ये भी नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो ये है हमारे यहाँ पर स्ट्रीट रेसिंग 3D, और ये भी यहाँ पर दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड से हट चुका है।
और लास्ट एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर चेक कर लेते हैं बॉब्स वर्ल्ड, और ये भी यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर बैकग्राउंड पर दोनों ही फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन नहीं थे, लेकिन हाँ बात अगर स्पीड की आती है तो वहाँ पर T1X ज़्यादा बेहतर है। तो आज की स्पीड का स्पीड टेस्ट विनर है वीवो T1X, और ये था हमारा VOY21 और T1X के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।